हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूं जो ऑलरेडी आप तक पहुंच चुका है और बहुत ही लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है, क्योंकि हमारे पास और हम और कुछ कर नहीं सकते जब तक एक सख्त से सख्त कानून नहीं बनेगा। ऐसा काम करने वालों के लिए इमीडिएट कोई पनिशमेंट नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम सोशल मीडिया पे वर्क कर सकते हैं, कैंडल मार्च कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ जो हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई सख्त कानून नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं होगा। मैं बात कर रही हूँ हैदराबाद की डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की, जो एक वेटनरी डॉक्टर थी और जानवरों की भाषा समझना, उनके दर्द को समझना, उसको फील करके और उसको ख़त्म करना उनका काम था। बट हमारे और आपके बीच ही रहने वाले कुछ इंसानी जानवरों ने उनकी लाइफ फिनिश कर दी, उनके साथ गैंग रेप किया, उसके बाद उनको जिंदा जला दिया गया। और हम ऐसे लोगों को पाल रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? सोसाइटी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है? हम सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं, मैसेज खेलते हैं, कैंडल मार्च कर लेते हैं, धरना प्रदर्शन कर लेते हैं, इसके बाद हम कुछ कर भी नहीं सकते। जब तक कोई सख्त से सख्त कानून नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये घटना उस टाइम की है जब वो अपने हॉस्पिटल से क्लिनिक पे जा रही थी, रात का 9:30 हो रहा था और उनकी स्कूटी ख़राब हो जाती है। ये लोकेशन होती है शमशाबाद की, जहाँ चार मीनार स्थित है और बहुत सारे लोग चार मीनार देखने जाते हैं, बहुत बहुत फेमस एरिया है वो। और कुछ अजनबी लोग उनको हेल्प ऑफर करते हैं और रात का टाइम होता है, कुछ अजनबी लोग होते हैं जिनसे उनको डर भी लगता है, बट उनसे हेल्प लेने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होता है, क्योंकि ना तो कोई पेट्रोलिंग टीम वहाँ होती, ना तो कोई पुलिस होता है, कोई और नहीं होता जिससे सेफली वो हेल्प ले सकें। उसी टाइम अपनी सिस्टर को वो कॉल करती हैं और बोलती हैं मेरी स्कूटी शमशाबाद के पास ख़राब हो गई है। कुछ अजनबी लोग उनको हेल्प ऑफर कर रहे हैं, उनको डर लग रहा, फिर भी उनकी हेल्प लेनी पड़ रही। उनकी सिस्टर ने कहा आप पास के टोल प्लाजा पे जाइए, वहाँ आप सेफ रहेंगी, तब तक मैं वहाँ आती हूँ और फ़ोन कंटिन्यू रखना। उसके बाद कुछ टाइम बाद 5 मिनट बाद कॉल बैक करने के लिए बोला, बट स्विच ऑफ हो जाता है उनका फ़ोन। उनको ज़बरदस्ती घसीट के वो लोग ले जाते हैं और गैंग रेप करते हैं। और उसके बाद वहाँ से 11 किलोमीटर की डिस्टेंस पे साधनगर पड़ता है, जहाँ पे उनको जिंदा जला दिया जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये आज फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है और इतने केस हो गए, क्राइम रेट इतना हो गया कि रेप केस हो गए, गैंग रेप केस हो गए, कि याद रखना बहुत मुश्किल है। निर्भया केस के बाद पता नहीं कितने केस हो गए हैं, बहुत सारे केस हम तक पहुंचते नहीं, मीडिया कवरेज से दूर होते हैं, कुछ ही केस पहुंचते हैं और हाईलाइट भी होते हैं तो उसमें कुछ नहीं होता। हमारे फेवर में तो हमारी गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती, फीमेल्स के लड़कियों के फेवर में कुछ कर नहीं सकती। हाँ, क्रिमिनल के फेवर में ज़रूर होते हैं कि अगर उसमें से कोई माइनर है तो उसको सुधार गृह में भेज दिया जाता है, क्योंकि छोटी सी गलती की है। रेप करना कोई बड़ी बात नहीं है इंडिया जैसे कंट्री में, हम जैसे स्टेट में रह रहे हैं, जैसे सिटी में रह रहे हैं। हाँ, अगर आपने हेलमेट नहीं पहना, सीट बेल्ट नहीं लगाया तो बहुत बड़ा क्राइम है, आपको जेल होनी है, आपके 10-5 हज़ार के चलान कटने हैं। बट अगर आपने रेप कर दिया कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए बहुत सारे कानून हैं। आपको गवर्नमेंट की तरफ से लॉयर मिल जाएगा जो आपका केस लड़ेगा 4-5 सालों तक, और उन क्रिमिनल को सजा दिलाने के लिए बहुत सारे पैरामीटर रखे गए हैं हमारे कानून में, जिसमें से एक है कि अगर उनकी एज 18 से कम है, वो माइनर में आते हैं, तो उनको सुधरने का दूसरा मौका दिया जाएगा। वो बच्चे हैं और बच्चे ऐसी गलतियां कर देते, छोटी मोटी गलती, ये क्राइम में कंसीडर नहीं होता है। हम आप कंसीडर करते, क्योंकि ये जो केस होता है, ये भयानक जो हादसा होता है वो हमारे साथ होता है, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के साथ होता है। जो मिनिस्टर हैं, विधायक हैं, एमएलए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये श्योर है कि इनकी बहन बेटी बहू जो भी है वो सेफ है, क्योंकि वो सिक्योरिटी के साथ चलती है, उनकी अपनी गाड़ियाँ होती हैं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कभी ट्रेवल करते नहीं हैं, तो इनको घंटा फर्क पड़ने वाला है। किसी ने सही ही कहा है कि हम जिनको चुनते हैं वही हमको ढूंढते हैं, ये बात बहुत ही करेक्ट है। हम इनको चूज़ करते हैं कि हमारे हर प्रॉब्लम का ये हमें सॉल्यूशन देंगे। ये सॉल्यूशन है कि आप अगर निकल रहे हो तो आप अपने रिस्क पे निकलो, अगर आप अंधेरा होने पे बाहर हो तो आप टोटल अपने रिस्क पे निकलो, आपकी बेवकूफ़ी है। आपको रात होने से पहले, शाम ढलने से पहले आपको घर पर आ जाना है, आपको रात होने से पहले
अंधेरा होने से पहले आप अगर घर पे नहीं आ गए तो अगर रेप होता है तो इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबल है। टोटल अपने रिस्क पे आप बाहर निकलिए। हम ऐसे घटिया लोगों के बीच में, घटिया सोसाइटी के बीच में रह रहे हैं जहां सिर्फ लोगों को पॉलिटिक्स करना आता है। टॉपिक मिल गया, इस टॉपिक पे सबने अपनी भाषणबाजी नारेबाजी करके सिंपैथी गेन कर ली। इलेक्शन के लिए अच्छा टॉपिक है और उसके अगेंस्ट कुछ नहीं करना है, बस नारेबाजी करनी, भाषणबाजी करनी, लेक्चर देना है। और बहुत बड़े बड़े स्टार्स भी हैं जो ट्वीट करते रहते हैं, किसी में इतना फील नहीं है कि वो फ्लाइट लेके यहाँ आ जाए और हमारे साथ खड़े होके हमें हेल्प करें कि हम भी आपके साथ हैं। बस ऑनलाइन ट्वीट कर देना होता है, फेसबुक पे पोस्ट कर देना होता है और एक उनके एक सिंगल पोस्ट से 1,000 लाइक, 2,000 लाइक और शेयर हो जाता है। उनको अलग से इस बात का बेनिफिट मिल जाता कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने इतना ऐसा कहा, इसने अपनी संवेदना व्यक्त की, इसने ऐसा किया। अगर उनको सच में फीलिंग्स है, सच में वो हर्ट हुए हैं तो उनको आना चाहिए, उस प्लेस पे जाना चाहिए, हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि हम मिडिल क्लास, ज़्यादा देर तक हम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। 2-4 दिन हम धरना प्रदर्शन करेंगे, 2-4 दिन कैंडल मार्च करेंगे, उसके बाद हम अपने अपने काम पे लौट जाएंगे। पुलिस डिपार्टमेंट, ये क्रिमिनल को तो ये लोग पकड़ नहीं सकते, ना तो इनके पास इतना ब्रेन है और ना तो ये इतना एफर्ट करना चाहते, क्योंकि इनकी सैलरी, इनकी जॉब, ये सारी चीज़ें तो फिक्स है, इनको मिलना ही मिलना है। तो किसको पड़ी है ये फालतूगिरी करने की? कोई बीआईपी केस होता, कोई मिनिस्टर की बेटी होती, एक बार कोई इनको फोर्स होता, प्रेशर होता, तब ये करेंगे। 2-4 केस ऐसे सॉल्व होते हैं जो बहुत हाई लेवल चले जाते हैं, जिसपे बहुत प्रेशर होता है, वो सॉल्व होते हैं, बट सारे केस सॉल्व हों ये तो जरूरी नहीं है। आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज ऐसे रेपिस्ट के अगेंस्ट कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ बनाइए कि रेप करने से पहले इंसान 100 बार सोचे। नो डाउट कि आपने बहुत सारा ऐसा काम किया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो कंट्री के लिए बहुत अच्छी है, हमारे स्टेट के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी है, बट जब हमारी सेफ्टी की बात आती तो वहाँ आपका कानून क्यों नहीं काम करता? क्या बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है इस चीज़ को बनाना? क्या एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाना इतना इम्पॉसिबल है? आपके हाथ में नहीं है, या आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, या हमारी लाइफ, हमारी बहनों की लाइफ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारी इज्जत आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? हम बाहर से तो अपनी कंट्री को सेफ करते हैं, लेकिन घर में जो हो रहा है उसका क्या? हमारे और आपके बीच ही रहने वाले घटिया लोग ऐसी हरकतें करते हैं, इतना पेन किसी को देते, उसके बाद भी उनके लिए कानून होता है और इतना लंबा प्रोसीजर होता है जैसे कि उन्होंने बहुत छोटी सी कोई गलती की हो। इस गलती के लिए क्या सुधरने का मौका देना चाहिए? इस गलती के लिए क्या केस इतना लंबा चलना चाहिए? निर्भया केस में 5-6 साल केस चला, क्या जरूरत थी वहां इतना लंबा केस चलने? ऐसे भी क्राइम करने के लिए प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत है? अगर आप प्रोसीजर फॉलो करवा रहे हैं, आपका कानून इतना अपाहिज है, इतना घटिया क्राइम करके भी इतना प्रोसीजर फॉलो होना है, इतना टाइम लगना कि आराम से बैठ के जेल में वो रोटियां तोड़ते हैं हमारे ही पैसों की, हमारे ही द्वारा दिए गए टैक्स, तो आप उनको चांस दे रहे हैं, उनको एक और मौका दे रहे हैं कि वो एक और रेप कर सके। जब भी किसी लड़की का रेप होता है तो हमारी ही सोसाइटी के कुछ महान लोग होते हैं, महान विचारों वाले कुछ लोग होते हैं, सबसे पहले लड़की की कमी निकाल देते हैं। लड़की के कपड़े अच्छे नहीं होंगे, लड़की का टाइमिंग नहीं सही होगा, लड़की के चाल चलन नहीं सही होंगे, लड़की की आदतें नहीं सही होंगी, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर कोई लड़की छोटे कपड़े पहनती है, अगर कोई लड़की थोड़ा लेट हो जाती है ऑफिस से, घर से, शॉपिंग से, कहीं से भी आ रही है, थोड़ा लेट हो गई, या लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है, तो क्या ये जरूरी है कि उसका रेप हो जाए? या उस टाइम जो रेप करने वाला है वो सही है अपनी जगह? हम ऐसे आजाद भारत में रह रहे हैं जहां हम अपनी मर्जी से आना जाना, घूमना फिरना, शॉपिंग या जो भी हमें करना हम नहीं कर सकते? अगर हम करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा? ये कानून हमारी गवर्नमेंट बना रही है, हमारी सोसाइटी के ही पढ़े लिखे लोग इस कानून को बढ़ावा दे रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पोस्ट करेंगे, सोशल मीडिया पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, कैंडल मार्च करेंगे और कुछ टाइम धरना वगैरह करेंगे, उसके बाद हम लौट जाएंगे। वैसे भी इसमें हमारी गलती नहीं है, क्योंकि हम अगर महीनों 2 महीनों तक धरना प्रदर्शन करते रहे तो हमारा जॉब, हमारा जो काम है वो कौन करेगा? अगर नहीं किया तो हमारी लाइफ नहीं चलने वाली, और उसमें भी हमारी कोई औकात नहीं है। फिर सबसे पहले उस पे अटैक करती है जो इनोसेंट होता है,
जिसके पास कोई पावर नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, पुलिस उसको हाथ भी नहीं लगाती, जिसके पास पावर है, पैसा है, और जो बड़े बड़े लिंक वाले लोग हैं जो उनकी ऐसी तैसी कर देते हैं। एक रेप करने वाले के लिए इतना क्राइटेरिया क्यों? कोई रेप करता, अगर रेप करने वाला बंदा 15-16 साल का है तो उसको सुधरने का मौका क्यों दिया जाता है? अगर वो रेप करने में कैपेबल है तो वो क्रिमिनल है, बस। इतने पैरामीटर्स क्यों सेट हैं? इतने बड़े क्राइम को जो अंजाम दे सकता वो बच्चा कैसे हो सकता है? क्यों आप उसको बच्चा कंसीडर करते हैं? क्यों उसको सुधरने का दूसरा मौका दिया जाता है ताकि वो सुधर के निकले और दूसरा रेप करे? कि रेप करने वाले के लिए तो कोई पैरामीटर नहीं है। 2 साल की बच्ची हो, 4 साल की बच्ची हो, 10 साल की बच्ची हो, बहुत एजेड सीनियर सिटीजन हो, लेडीज हो, कोई भी हो, उनके लिए कोई पैरामीटर नहीं कि वो एक स्पेसिफिक एज के साथ कर रहे हैं। वो बच्चों के साथ ऐसा घिनौना कर्म कर सकते हैं, बट उनके लिए हमारा कानून, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा कानून बहुत सही है। अगर छोटे हैं तो उनको सुधरने का मौका दे दिया जाता है कि वो तैयार हो जाए नए रेप के लिए। 18+ है तो उसको 4-5 साल आराम से केस चलता रहेगा और विक्टिम के घर वाले कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा के पागल हो जाएंगे। जो क्रिमिनल है वो आराम से जेल में बैठ के रोटियां तोड़ेगा। प्लीज मोदी जी, अमित शाह जी, कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ बनाइए ऐसे क्राइम को रोका जा सके। ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बात है कि आपने बहुत सारी चीजें की जो कभी नहीं हुई थी, जो कभी पॉसिबल ही नहीं थी, वो चीजें की, बट वुमेन सेफ्टी के नाम पे आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ फालतू गिरी हुई। बस स्टार्ट कर दिया, पिंक ऑटो स्टार्ट कर दिया, वुमेन सेफ्टी हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट कर दिया, पेट्रोलिंग पुलिस, बट ये कुछ काम नहीं आने वाला है। जब तक स्ट्रिक्ट लॉ नहीं बनेगा, जब तक ऐसे रेपिस्ट को इमीडिएट पनिशमेंट नहीं मिलेगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला। अगर 2-4 केस में भी रेपिस्ट को तुरंत सजा मिलेगी, तुरंत पनिशमेंट मिलेगी, तभी स्टॉप हो सकता है। अगर इतना लंबा प्रोसीजर होगा, इतना कानून होगा इतने बड़े क्राइम करने वाले के लिए, तो ये स्टॉप नहीं हो सकता। इस टॉपिक पे जितना बोला जाए, जितनी बकबक की जाए, कम है। और ये बहुत ही कॉमन बात है, कभी आज हुआ है, इस केस के सॉल्व होने से पहले पता नहीं कितने और केस हो जाएंगे जो हम तक नहीं पहुंचेंगे, आप तक नहीं पहुंचेंगे, और हो सकता है कुछ और बड़े केस भी हों जो हाईलाइट हों, बट ये एक टॉपिक बन के रह गया है। जैसे नॉर्मली और सारे टॉपिक होते हैं, टॉपिक है 2-3 महीने कंटिन्यू होगा, बहुत सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ होंगी, सोशल वर्कर सामने आएंगे, बहुत सारे लोग, स्टार्स वगैरह सामने आएंगे, सब अपने ट्वीट करेंगे, मिनिस्टर अपनी लेक्चरबाजी करेंगे, लेकिन लास्ट में कुछ नहीं होना, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट कुछ करेगी नहीं, हमारी गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, वो कंट्री के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारी कंट्री सेफ है बाहर से, लेकिन जो हमारे घर में, हमारे आपके बीच, हमारी सोसाइटी में रह रहे हैं और ऐसे बड़े क्राइम कर रहे हैं, ऐसा घिनौना जुर्म कर रहे हैं, उनके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। नॉर्मल प्रोसीजर ही फॉलो होता, जैसे बहुत छोटी सी कोई गलती हो गई हो, उनको तुरंत फांसी क्यों नहीं दी जाती है? अगर आप उनको तुरंत फांसी देते या ऐसा कुछ कानून करते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है आप पे? बट हमारे बात करने से कुछ भी नहीं होने वाला, जब तक हमारी गवर्नमेंट कुछ सख्त कदम नहीं उठाती है, कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं बनाती है इस क्राइम के अगेंस्ट। बस मोदी जी और अमित शाह जी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ बनाइए कि हमारी बहन बेटियां, हमारे आपस के लोगों से बच सके। हमारे अभी इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, क्योंकि कल से ये टॉपिक सोच के, ये पोस्ट और सारी वीडियोस वगैरह देख के दिमाग का बहुत दही हो चुका है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं ये हर वीडियो के लास्ट में ये बोलती हूँ कि लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बट इस वीडियो में मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। जस्ट आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करिएगा। सब्सक्राइब मत करिए मेरे चैनल को, लाइक मत करिए इस वीडियो को। मुझे इस वीडियो से कोई बेनिफिट एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, बस इतना उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग इसे शेयर करेंगे। अगर आप मेरे साथ हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कुछ नहीं, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।